Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. Today we will talk about The Mayor of Casterbridge. This work is written by English author Thomas Hardy. As you know, we have already discussed the previous works yesterday. So let's go ahead. आज का जो work है हमारे पास में वो है आपका The Mayor of Casterbridge. इसका subtitle आप लोगों को note कर लेना है. रोज आप लोगों को कोई ना कोई work मिलता है. तो चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा कि जिससे आपको डेली के जो भी लेसन्स होते हैं वो आप लोगों को मिलते रहे. द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका सबटाइटल है. यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा. आप लोगों को मैं नोट्स देता चलूंगा, आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यही बनेगा कि हु इज द राइटर, हु इज द ऑथर. सो थॉमस हार्डी इज द ऑथर एंड व्हेन इट गॉट published, it got written 1886. Novel by English author Thomas Hardy. तो ये आप लोगों के तीन चार क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है. वन ऑफ हार्डीज वेसेक्स नॉवल, और जो वेसेक्स है एक इमेजिनरी प्लेस है. ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी प्लेस है. पिछले वर्क में हमने इसे डिस्क्राइब किया था. इट इज सेट इन अ फिक्शनल रूरल इंग्लैंड. ये क्या है, आप लोगों का एक फिक्शनल रूरल इंग्लैंड का एक प्लेस है. Casterbridge standing for Dorchester. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो Casterbridge नाम की जगह है जहाँ पर कि ये वर्क है, वो क्वेश्चन आपका बनेगा कि वो किसके लिए स्टैंड करता है. सो इट स्टैंड फॉर डॉरचेस्टर इन डॉरसेट वेयर द ऑथर स्पेंड हिज यूथ. और ये वो जगह है डॉरचेस्टर जहाँ पे कि ऑथर ने अपना यूथ स्पेंड किया था, वहाँ पर टाइम स्पेंड किया था. तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं. It was first published as weekly serialization from January 86. और अगर हम इसके publication की बात करें तो ये पहले serial की तरह इसको publish किया गया था 1886 January में. ये शुरुआत हुआ था यहाँ से. The novel is considered to be one of Hardy's masterpiece, although it has been criticized for incorporating too many incidents. ये एक masterpiece तो है, लेकिन इसको बाद में criticize भी किया गया था. अब बात करते हैं प्लॉट समरी के बारे में. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैरेक्टर्स से, और कैरेक्टर्स का जो भी वर्क होता है उससे पूछा जाता है, और कुछ इवेंट्स आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं. ठीक है, सॉरी इंसिडेंट्स या इवेंट्स आप लोग कह सकते हैं. सो इवेंट्स, कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड जो होता है उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए कैरेक्टर्स को जानने के लिए और इंसिडेंट्स को और इवेंट्स को जानने के लिए हम प्लॉट समरी देखेंगे. एज अ कंट्री फेयर नियर कैस्टरब्रिज इन वेसेक्स, माइकल हैंचर्ड. अब जो माइकल हैंचर्ड है, ये क्या है, आप लोगों का एक मेन कैरेक्टर है. इसका मेन कैरेक्टर है 21 ईयर ओल्ड. ही चूज आर्ग्यूज विद हिज वाइफ सुजैन. यहाँ पे क्या है, जो माइकल हैंचर्ड है उसकी वाइफ का नाम क्या है, सुजैन है. दो कैरेक्टर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप इन्हें प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं. ड्रंक ऑन रम नेस्ड फॉर्मिटी ही ऑक्शंस हर ऑफ. अब वो अपनी वाइफ सुजैन का ऑक्शन कर देता है, उसके बोली लगा देता है, अलोंग विद देयर बेबी डॉटर एलिजाबेथ जेन. ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एलिजाबेथ जेन जो है उनकी डॉटर है. ठीक है, एलिजाबेथ जेन की डेथ हो जाती है पहले ही, और उनकी जो दूसरी बेटी होती है रिचर्ड न्यूसन के साथ में सुजैन की, उसका नाम भी क्या होता है, एलिजाबेथ जेन ही होता है. तो और बाद में ये स्टोरी आप लोगों को रिवील हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है जिससे स्टोरी अच्छे से समझ में आए. तो हुआ ये कि जो सुजैन है वो अब ऑक्शन ऑफ हो गई है. रिचर्ड न्यूसन ने उसको क्या कर लिया है, खरीद लिया है. सोबर एंड रिमोर्सफुल नेक्स्ट डे ही इज टू लेट टू लोकेट हिज फैमिली. अब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे वो सोबर होता है और रिमोर्सफुल हो जाता है. उसे पछतावा होता है, लेकिन क्या होता है, वो अपनी फैमिली को दोबारा से लोकेट नहीं कर पाता है. ही वॉज नॉट टू टच लिकर अगेन फॉर 21 ईयर्स. अब वो यहाँ पर वो करता है कि 21 ईयर्स तक वो क्या नहीं करेगा, लिकर को टच नहीं करेगा. बिलीविंग द ऑक्शन टू बी लीगली बाइंडिंग, सुजैन लिव्स एज न्यूसेंस वाइफ फॉर 18 ईयर्स. अब जो न्यूसन है उसके साथ में सुजैन जा चुकी है, 18 साल तक वो उसके साथ में रहती है. आफ्टर न्यूसन इज लॉस्ट एज सी एट सी, सुजैन लैकिंग एनी मीन्स ऑफ सपोर्ट डिसाइड्स टू सीक आउट हेल्थ अगेन, टेकिंग हर डॉटर विद हर. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूसन है वो
खो जाता है समुद्र में और सुजैन वापस हैंचर को ढूंढने निकल जाती है। सुजैन हैज टोल्ड एलिजाबेथ जेन लिटिल अबाउट हैंचर एंड द यंग वुमन नोज ओनली दैट ही इज इन रिलेशन बाय मैरिज। अब जो सुजैन है वो एलिजाबेथ जेन को हैंचर के बारे में बताती है, जो कि उसका मीन्स आप कह सकते हैं कि पहला पति था किसका, सुजैन का। सुजैन डिस्कवर्स दैट हैंचर्ड हैज बिकम अ वेरी सक्सेसफुल हे एंड ग्रेन मर्चेंट एंड मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अब वो क्या है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, नोन फॉर हिज स्टाउंच सोबिलिटी। वो पीता नहीं है और सुजैन उसको ढूंढ लेती है। ही हैज अवॉइडेड एक्सप्लेनिंग हाउ ही लॉस्ट हिज वाइफ, अलाउंग पीपल टू अज्यूम ही इज विडोवर। अब लोगों को बताता नहीं कि उसने अपनी वाइफ को कैसे खो दिया और लोग यही सोचते हैं कि वो क्या है, एक विडोवर है। When the couple are reunited, Hansard proposes remarrying Suzanne after a sham courtship. This is in view being the simplest and most discreet way to remedy matters and to prevent Elizabeth Jane learning of their disgrace. अब यहाँ पर वो लोग एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं शैम कोर्टशिप का और वो दोनों के दोनों reunite हो जाते हैं। To do this, however, he is forced to break off an engagement with a woman named लुसेटा टेम्पल्टन। अब ये नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर एंटर होती है, लुसेटा टेम्पल्टन के साथ उसकी इंगेजमेंट होने वाली होती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब उसकी पिछली वाइफ वापस आ गई है अपनी बेटी के एलिजाबेथ जेन के साथ में सुजैन, तो वो लुसेटा टेम्पल्टन के साथ में ब्रेक ऑफ कर देता है। और जो लुसेटा टेम्पल्टन थी उसने उसे नर्स किया था जब वो क्या था, उसकी तबीयत खराब होती है। डोनाल्ड फारफ्रे, so Donald Farfrae, a young energetic Scotsman passing through Casterbridge, helps Hansard by showing him how to salvage substandard grain he has bought. अब Donald Farfrae जो है वो Casterbridge आता है और वो Hansard से मिलता है। Hansard takes a liking to the man, persuade him not to emigrate and hires him as his corn factor, rudely turning away a man named Job. अब यहाँ पे एक Job जो होता है वो पहले से काम कर रहा होता है, उसे हटा देता है और उसे ऑफर की होती है उसने जॉब, और हैंचर्ड जो है वो डोनाल्ड फारफेयर को क्या कर लेता है, अपनी जॉब पे उसकी जगह पे रख लेता है, जॉब की जगह। फारफेयर इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन हिज रोल एंड इंक्रीजिंगली आउटशाइन हिज एम्प्लॉयर। अब जो फारफेयर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है और अपने एम्प्लॉयर को ही आउटशाइन कर देता है, मीन्स उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। When he catches the eye of Elizabeth Jane, अब जब वो Elizabeth Jane को देखता है, Hansard dismisses him and Farfrae sets himself up an independent merchant. जो Farfrae है वो एक independent merchant बन जाता है। Farfrae conducts himself with scrupulous honesty, but Hansard was so determined to ruin his rival that he makes a risky business decision that proved disastrous. अब यहाँ पे Farfrae जो है वो काफी अच्छे से अपना honesty के साथ में काम करता है और Hansard क्या अपनी अपनी जो अपना जो बिजनेस होता है उसमें बर्बाद हो जाता है। सुजैन फॉल्स इल, सुजैन की तबीयत खराब होती है एंड डाइज शॉर्टली आफ्टर द कपल्स रिमैरिज, और सुजैन की अब डेथ हो जाती है, लीविंग Hansard अ लेटर टू बी ओपन ऑन द डे ऑफ एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग। अब जो उसने एक लेटर छोड़ा होता है Hansard के लिए कि वो उसी दिन उसको खोले जब वो एलिजाबेथ की वेडिंग हो रही होती है। Hansard रीड्स द लेटर विच इज नॉट प्रॉपरली सील्ड and learns that Elizabeth Jane is not in fact his daughter but nuisance. अब उसे बात पता चलती है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो डॉटर, उसे पता चलता है कि ये nuisance की डॉटर है, उसकी डॉटर नहीं है। His Elizabeth Jane having died as an infant. और जो Elizabeth Jane है उसकी डेथ हो गई होती है infant. Hansard's new knowledge causes him to behave coldly towards this second Elizabeth. अब वो second Elizabeth जो है उसकी बेटी, उसे कोल्डली बिहेव करता है। एलिजाबेथ जेन एक्सेप्ट्स अ पोजीशन एज कंपेनियन इन लुसेटा, लुसेटा के उसमें जाकर एक पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती है, काम करना शुरू कर देती है। अ न्यू कमर अनअवेयर दैट शी हैड हैड अ रिलेशनशिप विद Hansard व्हिच रिजल्टेड इन हर सोशल रूम। नाउ वेल्दी आफ्टर रिसीविंग एन इनहेरिटेंस फ्रॉम हर आंट एंड लर्निंग दैट Hansard's वाइफ हैड डाइड, लुसेटा हैड कम टू कैस्टरब्रिज टू मैरिज। अब लुसेटा वहां पे आता है और वो क्या करना चाहता है, यहाँ पर he wants to marry in now. However, he on meeting Farfrae, she becomes attracted to him and he to her. Sorry, यहाँ पर जो लुसेटा थी
शी वॉज विद हैंसर्ड फर्स्ट, ऑल राइट। सो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था, अब जो ल्यूसेटा है वो आती है, कैस्टब्रिज आती है, वो हैंसर्ड से क्या करना चाहती है, शादी करना चाहती है, बट होता क्या है कि वहाँ पे उसे फारफ्रे मिल जाता है, उससे अट्रैक्टेड होती है, और वो भी ल्यूसेटा से क्या हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। हैंसर्ड्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पर्सुएड हिम दैट ही शुड मैरी ल्यूसेटा क्विकली। हैंसर्ड की जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं उनकी वजह से वो ल्यूसेटा से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है, क्योंकि ल्यूसेटा को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला होता है इनहेरिटेंस में। बट शी इज़ इन लव विद फारफ्रे, और वो फारफ्रे से क्या है प्यार करना करना शुरू कर देती है। दे रन अवे ऑन वीकेंड टू गेट मैरिड, नॉट टेलिंग हैंसर्ड अंटिल आफ्टर द फैक्ट। अब वो जाके शादी कर लेती है किससे, ल्यूसेटा फारफ्रे से। हैंसर्ड क्रेडिट कोलैप्स एंड ही गोज बैंक्रप्ट, और जो हैंसर्ड है वो क्या हो जाता है, बैंक्रप्ट हो जाता है। फारफ्रे बाइज हैंसर्ड्स ओल्ड बिजनेस एंड ट्राइज टू हेल्प हैंसर्ड बाय एम्प्लॉइंग हिम एज जर्नीमैन। फारफ्रे जो है वो हैंसर्ड की हेल्प करना चाहता है। अभी ल्यूसेटा आस्क्स हैंसर्ड टू रिटर्न हर ओल्ड लव लेटर्स, हैंसर्ड आस्क्स जॉब टू टेक देम टू हर। अब यहाँ पर होता क्या है कि ल्यूसेटा कहती है कि उसके जो लव लेटर्स थे हैंसर्ड के को लिखे हुए उनको वापस दे दे, और हैंसर्ड क्या करता है कि उसे जॉब के पास देता है। लेकिन जॉब स्टिल बियर्स अ ग्रज फॉर हैविंग बीइंग चीटेड। अब जॉब को क्योंकि जॉब से निकाला होता है हैंसर्ड ने, तो उसको स्टिल ही बियर्स अ ग्रज। तो वो क्या करता है, आउट फॉर पोजीशन फॉर फैक्टर ओपन्स द लेटर एंड रीड्स देम आउट लाउड एट एन इन। अब वो क्या करता है, एक इन में जाके उन्हें जोर जोर से पढ़ता है। सम ऑफ द टाउन्स पीपल पब्लिकली शेम Hansard for and Lucetta, creating effigies of them in screaming the right। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो लोग हैं वो जब इस स्टोरी को सुनते हैं, जब उनके लव लेटर्स को सुनते हैं, सो दे पब्लिकली शेम Hansard एंड Lucetta। Lucetta is so devastated by the spectacle that she collapses, has a miscarriage and dies। तो मिसकैरेज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है। The next day, Newson, who is transpires, was not lost at sea, arrives at Hanser's door asking about his daughter. अब जो Newson है वो वापस आ जाता है, वो खोया नहीं होता है सी में, वापस आ जाता है और Hanser से उसकी डॉटर को मांगता है। Hanser, who has become to value her kindness to him, is afraid of losing her companionship and tells Newson she is dead. अब यहाँ पे Hanser बोल देता है Newson को कि उसकी बेटी मर चुकी है। Newson leaves in sorrow, Newson वहाँ से चला जाता है। After 21 years, Hanser's vow of abstinence expires। अब उसने जो vow of abstinence लिया था शराब न पीने का, वो expire हो जाता है। He starts drinking again, और दोबारा वो पीना शुरू कर देता है। Eventually discovering that he has been lied to, Newson returns and Hanser disappears rather than endure a confrontation। अब जब Newson को पता चलता है कि उससे झूठ बोला गया और वो वापस आता है। ऑन द डे ऑफ एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग टू फारफ्रे, अब एलिजाबेथ जेन की शादी हो रही होती है फारफ्रे से, तो वापस आता है। ही कम्स बैक टिमिडली सीकिंग अ रिकंसिलिएशन, शी रिवर्ब्स हिम एंड ही डिपार्ट्स फॉर गुड, और वो वहाँ से चला जाता है। लेटर रिग्रेटिंग हर कोल्डनेस, शी एंड फारफ्रे सेट्स आउट टू फाइंड। अब दोनों के दोनों फिर से जाके एलिजाबेथ और फारफ्रे जाके ढूंढते हैं, लेकिन ओके दे अराइव टू लेट, बहुत देर में पहुंचते हैं एंड लर्न्स दैट, उन्हें पता चलता है ही हैज डाइड अलोन, और वो उसकी भी डेथ हो जाती है। दे ऑल्सो फाइंड हिज लास्ट रिटन स्टेटमेंट, हिज डाइंग विश इज टू बी फॉरगॉटन। उसकी जो डाइंग विश होती है वो क्या होती है, फॉरगॉटन होती है, कि मतलब उसे भुलाया जाए, ठीक है, मीन्स उसे कोई याद ना रखे। सो दिस इज द स्टोरी प्लॉट, और आप लोगों को कैरेक्टर्स आप लोगों को पता चल गए होंगे कि जो माइकल हैंसर्ड है ये आपका मेन कैरेक्टर है, सुजैन उसकी वाइफ है, रिचर्ड न्यूसन जो जिसको कि ऑक्शन ऑफ किया जाता है जिसके पास, और उसका डिफेक्टो हस्बैंड है एलिजाबेथ जेन, डॉटर ऑफ सुजैन बाय हैंसर्ड डाइज एज एन इन्फेंट, और दूसरी जो थी एलिजाबेथ जेन, ये डॉटर ऑफ सुजैन बाय न्यूसन मैरिज फारफ्रे, ये फारफ्रे से उसकी शादी हो जाती है। अभी हमने स्टोरी में देखा डोनाल्ड फारफ्रे बिकम्स मेयर ऑफ कैस्टब्रिज आफ्टर हैंसर्ड, स्कॉट्समैन ये स्कॉट्समैन है, ल्यूसेटा टेम्पल्टन नेटिव ऑफ जर्सी हु हैज एन अफेयर विद हैंसर्ड मैरिज फारफ्रे, और ये फारफ्रे से उसकी शादी हो जाती है।
जोशुआ जॉब समटाइम्स मैनेजर विद ग्रज अगेंस्ट हैंचर्ड, ये हैंचर्ड के साथ में काम करता है और फिर अपना बदला लेता है लेटर्स को रीड करके। सो होपफुली कि आप लोगों को इसके कैरेक्टर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक कैरेक्टर लिखे नहीं है तो कैरेक्टर्स जरूर लिख लीजिए, एक एक वर्क करके लिखेंगे। लगभग आपको मैं 50 वर्क्स इसमें करवाऊंगा पूरे चैनल पर, और इससे पहले भी काफ़ी सारे करवा चुका हूँ। लगभग 20 वर्क्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, तो उसके भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।